हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूनर में। आज मैं सदिश और अदिश के कुछ क्वेश्चन हैं और न्यूटन लॉ जितने भी हैं आज उनके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो आज देखना, सदिश और अदिश के कुछ क्वेश्चन हैं, ये देखिए। पहले आपको मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, सदिश राशि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संवेग, आपको पता है ये सदिश राशि। संवेग क्या है हमारी? सदिश है। आवेग भी क्या है हमारा? वेग क्या है हमारा? ये भी सदिश राशि है। कोणीय वेग, जहां वेग है तो वहां तो वो सदिश होना ही होना है। तो लेकिन द्रव्यमान जो है ये हमारा सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन हमारा ये ठीक है, द्रव्यमान, यह एक सदिश राशि नहीं है। लंबाई हुई, लंबाई भी हमारी ये क्या है? सदिश राशि या द्रव्यमान जो भी एम के इस पद्धति में आते हैं, जैसे पहले पहले एम मास यानी कि द्रव्यमान, किलोग्राम, मीटर, लंबाई, वो भी हमारी क्या है? अदिश राशि है। और समय, समय भी हमारी क्या है? एक अदिश राशि है। जो कि आगे देखना देखना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये सब गलत है, लेकिन ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी, द्रव्यमान एक हमारी सदिश राशि है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अदिश राशि है, अदिश राशि है। देखो सबसे पहले कार्य को छोड़ो, बल आगुण, बल आगुण एक सदिश है। क्या है? सदिश। संवेग भी क्या है हमारा? सदिश, ठीक है। लेकिन ऊर्जा क्या है हमारी? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है हमारी? अदिश राशि। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा एक हमारी अदिश राशि है, और ये दोनों बल आगुण और संवेग क्या हमारी? सदिश राशि, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है। सही है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? राशि है सदिश, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि दाब, संवेग, ऊर्जा और कार्य और दाब, ये कौन सी राशि है हमारी? ये तीनों हैं अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। लेकिन संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है? ऑप्शन हमारा ए, सदिश राशि पूछी है। दाब, ऊर्जा और कार्य, ये कौन सी हमारी अदिश राशि है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और संवेग क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ये देखिए, विस्थापन, वेग और बल, ये तीनों हमारी क्या है? ये तीनों हमारी सदिश राशि हैं। क्या है? सदिश राशियां। और ये है हमारा आयतन, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्लियर है? तो विस्थापन, वेग और बल, ये क्या है हमारी सदिश राशि है, और सदिश राशि नहीं है। कौन सी नहीं है? आयतन। क्लियर है आपको? आगे देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई मैंने बताया था एम के एस पद्धति में, ये तीनों हैं, और ये तीनों जो होती हैं हमारी अदिश होती हैं। द्रव्यमान और समय और लंबाई, ये क्या होती है हमारी? अदिश राशि होती है। लेकिन वेग, वेग क्या है हमारा? सदिश राशि। तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन हमारा वेग ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक
व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, व्युत्पन्न मैंने आपको बताया था, व्युत्पन्न जो किसी दूसरे से उत्पन्न होते हैं, किसी दूसरे से उत्पन्न होते हैं वो होता है हमारा व्युत्पन्न, लेकिन व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, ये देखना है हमको, ठीक है। सबसे पहले घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व डी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान बट्टे आयतन, सही है। यानी कि ये किस किस से व्युत्पन्न हो रहा है हमारा, द्रव्यमान और आयतन से, तो ये व्युत्पन्न परिभाषा है, ये तो है, ठीक है। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान खाली भार, इससे किस, ये m से डिनोट होता है, m के स्पत्ति में m, ठीक है, मास। और आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये किससे व्युत्पन्न हो रहा है हमारा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से व्युत्पन्न हो रहा है, तो ये भी कौन सी राशि है हमारी, व्युत्पन्न राशि है, ये भी व्युत्पन्न राशि है। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है यानी कि v बराबर होता है, s बराबर होता है दूरी बट्टे, दूरी बट्टे समय, ये किससे उत्पन्न व्युत्पन्न हो रहा है हमारा, दूरी और समय से, लेकिन ये व्युत्पन्न है तो परिभाषा नहीं है, द्रव्यमान हमारी क्या है, व्युत्पन्न, ये किसी के से उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब ये किसी से व्युत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, द्रव्यमान। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, द्रव्यमान, क्योंकि ये किसी से व्युत्पन्न नहीं हो रहा, अरे ये सब आयत घनत्व हुआ, आयतन हुआ और चाल हुई, ये व्युत्पन्न हो रहे, मैंने इसके फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन द्रव्यमान खाली एम होता है, ये किसी से भी व्युत्पन्न नहीं है, तो इसलिए व्युत्पन्न नहीं है द्रव्यमान, क्लियर है। आगे देखिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, ये है ऑप्शन, उसका उसकी क्या होंगे, तो वेरन दो गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, या भार दो गुना हो जाता है। वेग किससे डिनोट करते हैं हम, वेग वी से। यदि प्रारंभिक वेग हमारी कितनी है, सपोज करो वी वन है, सपोज करो कितनी वी है, लेकिन वी डबल डैश हमारी आगे चल के दो गुनी होगी, कितनी गुनी होगी, दो गुनी होगी, वी की कितनी गुनी, दो गुनी, तो ये त्वरण कभी भी दुगना नहीं होगा, क्योंकि त्वरण होता है हमारा ए बराबर होता है वी अपॉन, वी अपॉन टी, मतलब वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, ठीक है। वेग परिवर्तन, परिवर्तन प्रारंभिक वेग, इसमें केवल एक वेग है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं कुछ भी, त्वरण दो गुना नहीं होता कि, क्योंकि इसमें लगता है v माइनस u, लेकिन हमें अंतिम वेग तो पता है दो गुना, लेकिन प्रारंभिक वेग हमें पता नहीं है, लेकिन k की वैल्यू कितनी होती है, k बराबर होता है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने दो का स्क्वायर किया तो कितने होते हैं, चार, चार हो जाएंगे। अगर तीन का स्क्वायर किया, मतलब तीन की पावर दो करी, कितने हो जाएंगे, नौ गुना, तो इसलिए हम दो गुना कर रहे हैं। अगर हम v की जगह कितना रख दें, 2v, और इसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, m इंटू 2 का कितना, 4v स्क्वायर, तो कितनी, चार गुना एक बट्टे दो एम वी स्क्वायर, तो कितनी गुनी होगी गतिज ऊर्जा हमारी, कितनी गुनी होगी, चार गुनी, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी हमारी, चार गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसके v के ऊपर क्या है हमारा, स्क्वायर, जब स्क्वायर हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएंगे, चार। प्रारंभिक कितनी है हमारी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ जगह कितनी आ गई, चार गुना एक बट्टे दो एम वी स्क्वायर, तो कितनी गुनी होगी हमारी, चार गुनी, तो किसमें परिवर्तन होगा हमारा, गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। आगे देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, नंबर बी है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, और दोनों सत्य है दोनों गलत। देखिए, द्रव्यमान परिवर्तनीय,
द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं होता, द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं होता, लेकिन भार भी स्थिर नहीं होता, परिवर्तनीय नहीं होता, ये स्थिर रहता है। क्या रहता है? हमेशा द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार जो है जी के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो द्रव्यमान तो स्थिर रहता है और भार किसके अकॉर्डिंग बदलता है? हमारा भार जो है m जो वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? जी के अकॉर्डिंग बदलता है। पृथ्वी पे हमारा कुछ भार और है, चंद्रमा पे कुछ और होगा, तो किस में परिवर्तनशील कौन सा है? भार। और स्थिर कौन सा रहता है? द्रव्यमान। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। ये याद रखना, भार हमेशा किसका अकॉर्डिंग बदलता है? जी के अकॉर्डिंग, लेकिन द्रव्यमान सब जो पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, ये सब क्या होंगे, सूर्य का द्रव्यमान, ये सब स्थिर रहेंगे। क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। लेकिन जो भार होता है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग हमारा ये बदलता है। तो याद रखना, द्रव्यमान स्थिर और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, आगे देखिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की एक स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल, ये आपको मैंने थ्योरी में बताया था, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है प्रथम नियम। किसका? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का विशिष्ट के नियम तो कितने प्रकार के? हमारे तीन है। न्यूटन का विशिष्ट तृतीय नियम, कि तृतीय नियम क्या है? एफ बराबर प्रतिक्रिया। कौन सा है? प्रतिक्रिया। आगे देखिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है? न्यूटन का गति के विशिष्ट प्रथम नियम। ये द्वितीय नियम क्या है हमारा? एफ बराबर एम ए। क्लियर है? आगे देखिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया तो उसमें कोई भी सक्रिय ना हो, तो ये जो है कौन सा ऑप्शन है? न्यूटन का प्रथम नियम। ओके, ठीक है। आगे देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल हमेशा बल जो है त्वरण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? किस कौन से नियम से? एफ बराबर एम ए। और जो चीज सामने होती है इक्वल के वो तो होती है समानुपाती, लेकिन जो अपोन में होती है उसको बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये तो हमारा ऊपर ही है, तो ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? आगे देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया, मैंने बताया क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, विभिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा विभिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है? परिमाण बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि किंतु उसकी दिशा समान हो। तो इसमें जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। परिणाम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। परिणाम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सही है? और उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए? उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रतिक्रिया कौन सा? न्यूटन के तृतीय नियम। किसके अनुसार? न्यूटन के तृतीय नियम। अभी बता के चला है क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होती है। ठीक है, आगे चलिए। जल में तैरना न्यूटन की एक गति के किस नियम के कारण संभव है? अगर कोई तैरक या कोई भी मनुष्य या कोई भी हो, जब हम जल में तैरते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है उसमें? प्रथम नियम न्यूटन का, या द्वितीय नियम, या फिर तृतीय नियम, बताइए। ये आपके ऑप्शन है, कौन सा नियम लागू होता है? सीधी सी बात है, हम जितना प्रतिक्रिया बल लगाएंगे जल में तैरते हुए, जितना हम जल को बल लगाएंगे हाथों से, उसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। और प्रतिक्रिया हम कौन से नियम में होता है हमारा? प्रतिक्रिया होता है हमारा तृतीय नियम। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा? सी,
ठीक है ना, प्रतिक्रिया, अपोजिट बल। जल पे हम अपोजिट बल लगाएंगे जभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो अपोजिट बल लगाने को हम प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। तो प्रतिक्रिया क्या होता है हमारा, तृतीय नियम। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, न्यूटन का तृतीय यानी कि सी। ठीक है, आगे देखिए, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल, किसका नियम है बताओ जल्दी। ऑप्शन न्यूटन, आइंस्टीन, बी आर्किमिडीज और गैलीलियो, बताओ कौन सा है। अभी मैंने बताया था, अभी ये सब जो चल रहे हैं किसके नियम चल रहे हैं, न्यूटन के। सीधी सी बात है, किसका नियम है, प्रथम नियम है। अभी मैंने पढ़ाया न्यूटन का प्रथम नियम, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो, तो ये किसने दिए थे नियम, न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, और ये सारे गलत हैं, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम से। बल की जो परिभाषा आती है एफ बराबर न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के किससे, द्वितीय नियम से। ये देखिए क्यों, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है हमारा, एम ए। तो जो परिभाषा बनती है हमारी किससे बनती है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, यानी कि फोर्स कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, परिभाषा आती है द्रव्यमान तथा त्वरण, यानी कि द्रव्यमान तो m हो गया और त्वरण a के गुणनफल, इनके बीच में कौन सा सिंबल है, यानी कि गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा किससे बनी हमारी, न्यूटन के दूसरे नियम से। क्लियर है, आगे देखिए, याद रखना बल की परिभाषा आती है न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये मैंने फॉलो करवा दिया। बल एफ क्या है, एफ क्या है, बल है, तो बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसी से डेफिनेशन बन जाएगी, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल यानी कि F कहते हैं, F बराबर m। क्लियर है, तो आगे देखिए, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध ना करे। ठीक है, विराम याद रखना, किसी पिंड गुणधर्म को क्या कहते हैं जिस सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध ना करे, वो होता है जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व याद रखना, क्या होता है, जड़त्व। जो न्यूटन का कौन सा लॉ है, जड़त का नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त का नियम भी कहते हैं। इस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया वो अपनी स्थिति नहीं चेंज करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, हम जड़त कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, अभी मैंने बताया न्यूटन के नियम को, प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, अभी बताया मैंने। तो क्या बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। सीधी सी बात है, जब घोड़ा किस पर बल लगाएगा, पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर बल लगाएगा तो उसके शरीर पर बल लगेगा, और शरीर पर बल लगेगा तो किस में बल लगेगा, गाड़ी में। तो सबसे पहले किस पर बल लगेगा, पृथ्वी और पैरों के बीच में, पृथ्वी और पैरों के
बीच में बल लगेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक है? घोड़े द्वारा पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, जब बल पैरों से पृथ्वी पर बल लगाएगा जभी तो गाड़ी आगे के लिए बढ़ेगी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है और ये दो तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, सीधी सी बात है, गाड़ी गाड़ी द्वारा घोड़े गाड़ी घोड़े पे बल नहीं लगा सकती, फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर, और घोड़े द्वारा घोड़ा भी अवश्य नहीं, सबसे पहले जब पैरों के अनुसार वो किस पे बल लगाएगा, पृथ्वी पर, तभी उसके शरीर में बल लगेगा, बल शरीर के जिस शरीर में बल लगेगा तो उसकी गाड़ी में बल लगेगा, तो किसके अकॉर्डिंग होगा? पैरों, यानी कि पैर से पहले पृथ्वी पर लगाएगा, इसलिए गाड़ी आगे के लिए चलेगी। आगे देखिए, चलती हुई बस जब अनाचक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है, इसके इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम? अगर कोई भी अनाचक गाड़ी ब्रेक मारती है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी आगे के ओर झुकता है तो वो हमेशा जड़त्व नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम, और जड़त्व के नियम को हम क्या बोलते हैं, इसको अगर ऑप्शन न्यूटन का प्रथम नियम आए तब भी यही ठीक है, और जब आए जड़त्व का नियम, किसका? जड़त्व का नियम, का नियम, जड़त्व के कारण, जड़त्व का नियम आए या फिर न्यूटन का प्रथम नियम आए, ये जो संभव है, अगर गाड़ी बस अनाचक ब्रेक मारती है तो कोई भी यात्री आगे के तरफ झुकता है तो वो किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण या फिर न्यूटन के पहले नियम के कारण। क्लियर है? आगे देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे रॉकेट जो होते हैं, जो उड़ते हैं रॉकेट, वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित उड़ते हैं? तो पहला है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, और ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन मैंने बताया प्रतिक्रिया, अगर कोई रॉकेट इतना वेग से वो निकले, उसकी वायु के पृथ्वी पर अपोजिट बल लगे, अपोजिट बल लगने के कारण कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, और क्रिया प्रतिक्रिया किस में, कौन से नियम में होती है? न्यूटन के द्वितीय नियम। जब रॉकेट से निकलने वाली वायु किस में अपोजिट बल लगाएगी, पृथ्वी या वायु पे अपोजिट बल लगाएगी, तो अपोजिट बल यानी कि विपरीत बल लगाने को हम क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है? न्यूटन के तृतीय नियम। क्लियर है? तो रॉकेट के कौन से नियम के द्वारा उड़ता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम को लागू करता है। क्लियर है? आगे देखिए, अश्व यदि एकांत चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? आशंका कारण, ये कोई, ये तो अश्व माने घोड़ा, और जो अश्वरोही मतलब यात्री, क्या है? यात्री बोल देते हैं इसको, अश्वरोही को क्या बोलते हैं? यात्री। कभी तुमने देखा हो यदि कोई बैलगाड़ी अचानक चलती है तो यात्री की गिरने की संभावना हो जाती है, वो किसके कारण होती है? यही मैंने बताया था, वो होती है जड़त्व आगुण नहीं, विराम जड़त्व। यात्री विराम में है और अनाचक उसकी बैलगाड़ी या चल दे तो उसमें क्या होता, अनाचक में क्या होती है, वो पीछे की तरफ गिरने की आशंका होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम विराम जड़त्व कहते हैं। वो किसके कारण पीछे गिरेगा? जड़त्व के कारण। सही है? आगे देखिए, यह है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आगे हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है? तो ऑप्शन है, बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, और हो सकता है कि कम बल लगाने की आवश्यकता हो,
हो सकता है कि अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। देखो बॉल तो विराम में आ ही सकती है, लेकिन जो खिलाड़ी होता है इस सिचुएशन में उसको कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम बल लगाने की उसमें आवश्यकता होती है। अगर वो सीधा यूँ रखे तो अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन पीछे खींचने के अकॉर्डिंग बल जो है खिलाड़ी को उसके अकॉर्डिंग कम लगाने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। क्लियर है? अगर देखिए बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, किस किस का गुणनफल है बल ये देखना है आपको। जो हमारा वो है बल जो है वो किस किस का गुणनफल है ये देखिए। तो मैंने लिखवाया था, अभी लिखवाया बल होता है हमारा बल गुणा बल की दिशा, सॉरी द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल होता है, बल किस किस का गुणनफल होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो किस किस का होता है इसमें देखो, द्रव्यमान और त्वरण कहीं पे है, द्रव्यमान गुणा वेग ये नहीं है, द्रव्यमान गुणा त्वरण ये ठीक है, भार और वेग ये गलत है, भार और त्वरण ये गलत है। ठीक है, केवल किस किस का होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अगर भार के अलग हो, भार भी एम से डिनोट करते हैं, लेकिन भार होता है हमारा परिवर्तित होता है जी के सापेक्ष, जी के साथ साथ परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान हमारा स्थिर रहता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? एफ बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान। भार का और द्रव्यमान का मैंने अंतर बताया तुम्हें, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार जी के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है, इसलिए हम भार नहीं ले करके क्या लेंगे? केवल द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण यही होता है हमारा बल। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार क्या होता है? घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या फिर भार में परिवर्तन होता है, या फिर मात्रा तथा भार दोनों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ठीक है, पदार्थ की मात्रा जो भी उधर, पदार्थ की मात्रा तो कभी भी कम नहीं होगी, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये ठीक है। अगर हम चंद्रमा पर उतर जाते हैं तो भार क्या होता है? घट जाता है, पर जो पृथ्वी पर भार है उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा पर क्या होता है? घट जाता है। किसके कारण? जी के कारण। किसके कारण? जी के कारण, लेकिन मात्रा उतनी ही रहती है, लेकिन भार क्या हो जाता है हमारा? घट जाता है चंद्रमा पर। क्लियर है? आगे देखिए, यदि हम भू मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ध्रुव पर हमेशा जी का मान, ध्रुव पर हमेशा जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है ध्रुव पर। ठीक है, जो हमारा वजन है उस, अगर हम नॉर्मल वजन को ध्रुव पर जाकर जाएंगे तो उसका क्या होगा? वजन बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ी पर अधिक होता है। हमारा जो वजन है, मैंने अभी अभी बताया, हमारा जो वेट है यानी कि वजन कहाँ ज़्यादा होगा? जब जी की वैल्यू ध्रुव पर अधिक होगी, सीधी सी बात है, ध्रुवों पर जी की वैल्यू अधिक होगी तो भार का भी वजन, जो शरीर का वजन है ध्रुव पर ही अधिक होगा। किसके कारण? जी के कारण, गुरुत्व त्वरण के कारण। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? हमारा शरीर का वजन कहाँ पर अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सही है? आगे देखिए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? मैंने बताया था, अगर पृथ्वी जी की वैल्यू अगर जी है तो बाकी एक बट्टे छः भाग जी है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। सही है, तो चंद्रमा का जो वो है ना जी का मान, तो वो कितना है? जी के एक बट्टे छः भाग है। ठीक है, अगर सपोज करो, अगर पृथ्वी पर जी की वैल्यू 10 है तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू कितनी हो जाती है?
10/6 अगर वजन हमारा 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पे जाके कितना हो जाएगा, कितने का भाग दे देंगे हम, 6 का भाग दे देंगे, तो वहाँ जाके द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम चंद्रमा पर जाकर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चंद्रमा की सतह पर खुदरी होती है, ये गलत है। चंद्रमा कोई वायुमंडल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि गुरुत्व जी की जो वैल्यू है वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग चंद्रमा पर कितनी है, 1/6 भाग है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है इसमें, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के अकॉर्डिंग क्या है, कम है, ठीक है। और ऑप्शन डी ये भी गलत है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन है, चंद्रमा में गुरुत्व त्वरण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है, क्लियर है। तो आगे देखिए, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, पर उसमें कोई विस्थापन करने में असफल रहता है। सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति दीवार में धक्का लगाए तो विस्थापित तो होगी नहीं, असफल रहता है, तो वह करता है कोई कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य और अधिकतम कार्य। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी भीत को हम धक्का मारेंगे तो दूरी, विस्थापन मैंने बताया, विस्थापन को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं विस्थापन। कि अगर किसी दीवार को हम धक्का मारेंगे कोई व्यक्ति, इसमें किसकी दे रखे, व्यक्ति, कोई मशीन नहीं, केवल व्यक्ति। अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दीवार को धक्का मारेगा तो वो आगे को नहीं सरकेगी, यहाँ से कुछ दूर नहीं जाएगी, और कोई चीज़ विस्थापित असफल रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोई भी कार्य नहीं। ये ऑप्शन सब गलत है, इसका जो ऑप्शन क्या है, उस भीत पर कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है, उस दीवार पर कोई भी कार्य नहीं होता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, याद रखना, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तेज चल सके फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु स्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्या है ऑप्शन इसमें, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि वो आगे झुक झुक के आगे की तरफ चल सके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्थायित्व बनाने के लिए, अपना बैलेंस, इसका मतलब है बैलेंस बनाने के लिए, आप स्थायित्व को कभी आए, इसका बैलेंस, अपना बैलेंस बनाने के लिए वो क्या होता है, आगे की तरफ झुकता है। तो इसकी जो वो है स्थायित्व, मतलब इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, बैलेंस बनाने के लिए। पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्योंकि ये देखिए, नंबर एक ऑप्शन क्या है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने, ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा ये होती है, और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर तो ये होती है और क्षैतिज हमारी ये रेखा होती है, सही है, जो कि केंद्र होता है। तो ये बोल रहा है ऊर्ध्वाधर केंद्र, ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा ना आधार से होकर जाती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन ये ही ठीक है, जो हमारी जो रेखा है गुरुत्व केंद्र के जो ऊर्ध्वाधर रेखा वाली है वो किससे होकर जाती है, आधार से होकर जाती है। दूसरा, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, जो कि गलत है। सीधी सी बात, अगर कोई भी चीज़ नीचे को क्या बोलते हैं हम, आधार, क्या बोलते हैं हम नीचे, धरती को आधार बोलते हैं, तो
कोई भी मीनार हो या कोई भी बिल्डिंग हो धरती से तो वो क्या होगी, छुपेगी, यानी कि गुरुत्व केंद्र के अकॉर्डिंग ऊपर के लिए तो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ईश्वर की ईश्वरीय प्रभाव, ये भी गलत है, यह एक आश्चर्य है, ये भी गलत है। आगे देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है, केवल इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्लियर है। आगे देखिए, यदि दो बल सदिशों के परिमाण कितने हैं, 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, तो वो परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिमाणी बल का परिमाण क्या होगा। ये देखिए इसमें एक फॉर्मूला है, तो एफ बराबर जो होता है हमारा रूट में F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसका फॉर्मूला ये है। ये परस्पर क्या है, लंबत बोले, क्या जब लंबत बोले तो हमेशा थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, यानी कि 90। कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 90। दोबारा साफ साफ देखो, F=F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। मैंने बताया जब कोई चीज़ लंबत हो, दो चीज़ लंबत हो, तो उनके बीच का कोण क्या होता है हमारा, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। क्लियर। अब F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, F1 की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। इस फॉर्मूले में पुट करो तो F1 कितनी है हमारी 6 का होल स्क्वायर प्लस F2 कितनी है 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ही फॉर्मूले में 6, मतलब F1 की वैल्यू 6 और F2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे हम 90। ठीक है, तो स्क्वायर करने तुम पे आते होंगे, 6^2 की वैल्यू कितनी हो 36, 8^2 = 64। ठीक है, फिर प्लस इसको यूं ही रहने दो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर हम किसी संख्या में 0 की गुणा करें तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखो 36 और 64 कितने हो गए 100, और ये 0। अगर 0 में कुछ भी हम जोड़ ऐड करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, उतनी ही आती है। जोड़ें, अगर 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 का जो रूट होगा वो कितना होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ये याद रखना कि एफ की जगह कुछ भी दे सकता है, त्वरण भी हो सकते हैं तो त्वरण, त्वरण वेग हो सकता है तो वेग भी ला जगा सकते हैं, जो भी हो जिसका परिणाम पूछे, केवल यही एक फॉर्मूला है, एफ की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, त्वरण भी वेग भी जो भी हो, बल की जगह कुछ भी आए, सदिश लिखना होना चाहिए, केवल क्या और लिखा होना चाहिए सदिश के लिए, फॉर्मूला कौन सा है ये वाला। क्लियर है, तो आगे देखिए, निम्न राशि में से कौन सी सदिश नहीं है, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है, विस्थापन है भाई, विस्थापन अगर हम देखें, विस्थापन भी सदिश है, ये तीनों सदिश ही हैं, संवेग भी हमारा सदिश है, त्वरण भी क्या है हमारा सदिश है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है हमारी अदिश है, क्या है अदिश है, और बाकी तीनों क्या है सदिश। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा,
ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। आगे देखिए, सदिश राशि है, सदिश राशि है, दूरी नहीं है, सदिश राशि दूरी नहीं है, चाल भी नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, केवल ऑप्शन कौन सा ठीक है, वेग। वेग क्या है हमारी, सदिश राशि है। और ये तीनों कौन सी राशि हैं, अदिश राशि हैं। कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्लियर है। आगे देखिए, दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कोण। यदि बीच का कोण निकालने के लिए आ जाए, एक फॉर्मूला है, यदि समान है, सपोज करो कोई समान वेक्टर, वेक्टर की जो हिंदी है सदिश होती है, क्या होती है, सदिश, क्या होती है, सदिश। सदिश ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो सदिश हैं और इनके परिणाम क्या हैं, दोनों के समान हैं, तो इनके बीच परिणाम क्या है, शून्य आया। क्या आ गया, शून्य आ गया, यानी कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर, ये मैंने लिखवाया हुआ है, और कॉस कितना थीटा। अगर इसकी वैल्यू शून्य कब आएगी, इस पूरे की वैल्यू शून्य कब आएगी, अब हमारे जो एंगल रहने हैं जीरो कितने, 30, 60, 45, 60 और 90, तो कॉस की ऐसी इन दो में से कौन सी वैल्यू धरें जो जीरो आ जाए। अगर हम कॉस जीरो की वैल्यू लेके चलें, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1, और कॉस 30 की वैल्यू लेके चलें वो कितनी होती है, √3/2, ठीक है, और कॉस 45 की वैल्यू लेके चलें, कॉस 45 होते हैं 1/√2, और कॉस 90, कॉस 60 की लेके चलें, कॉस 60 होती है 1/2, तो इन इन चारों में से तो कोई भी जीरो नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो आती है, क्या आती है, जीरो। अगर हम एंगल थीटा की जगह हम कितना कॉस 90 रख दें तो जीरो, तो जीरो में किसी की भी गुणा करें तो पूरा परिमाण क्या आ जाएगा, जीरो। तो बीच का कोण कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शून्य परिमाण लाने के लिए हमेशा जीरो होनी चाहिए। क्लियर है। तो आगे देखिए, परिमाण पूछा है। तो जीरो लाने के लिए क्या होगा, 180। मैं बताता हूँ क्यों, ये ऑप्शन गलत है, इसका जो ऑप्शन कौन सा 180 ठीक है, इसको दोबारा देखिए। परिमाण पूछा है, परिणाम क्या पूछा है, परिणाम पूछा है। दो वेक्टर हैं, यानी कि ए वेक्टर वी कितना है हमारा, ए, और वी वेक्टर भी कितना है, स्मॉल ए मान लो, दोनों के वेक्टर के परिणाम शून्य हैं, जबकि ये समान है, तो b बराबर भी कितना है a, और इनके परिणाम वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 2a इंटू ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, a का एक कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a की a में करोगे तो a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। जीरो लाना है, अब इन एंगल में से पुट करो, एक एक करके जीरो लाना है। अगर हमने सपोज करो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस कितनी धरा, 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, कितनी होती है जीरो, तो इसमें जीरो की गुणा करोगे तो केवल कितना बच जाएगा हमारा, 2a यू बच जाएगा प्लस जीरो, ठीक है, जीरो में कुछ भी जोड़ो इतना ही आ जाएगा, इसकी जो निकलेगा √2 और ए स्क्वायर बन के रूट से कट जाएगा, तो केवल √2a, सही है, जीरो तो नहीं आया, क्या आना चाहिए हमारा, शून्य आना चाहिए। तो आगे देखो, अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, एंगल की जगह कौन सा रख के देखो, एंगल की जगह 180, कॉस 180 रख के देखो, तो वही मेथड, एक और एक 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, माइनस
वन होती है, क्लियर है। और जब माइनस वन की गुणा किसी में भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा कैंसिल, तो रूट में जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो परिमाण कितना होगा हमारा, अस्सी पे कितना होगा, जीरो, क्लियर है। मैंने सॉल्यूशन करके देखा है तो 45 भी रख के देख लो एक बार, 45 पर कितना आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, दोनों के परिणाम क्या है हमारे, सेम है, कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, एक और एक दो, रूट प्लस टू ए स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू मैंने बताई थी अभी, रूट दो, रूट दो से दो कितनी बार कटेगा, रूट दो बार, कितनी बार, रूट दो बार कटेगा, तो इसकी वैल्यू जो आगी दो रूट, ये भी जीरो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी जीरो नहीं आएगी। फिर जीरो रख के देखें आगे, जीरो रख के देखो, थीटा की जगह कितना, जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक, एक और एक दो, ए में ए की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और या की वैल्यू वन, ठीक है, दो और दो चार, ए स्क्वायर, चार कितना बन के बाहर निकलेगा, दो, और ए स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू ए। तो मैंने चारों ऑप्शन सॉल्यूशन कर करके दिखा दिए, ये भी नहीं गलत है, ये भी, इसका भी शून्य नहीं आ रहा, इसका भी, तो शून्य किसके लिए आ रहा है, 180 के लिए शून्य है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, क्लियर है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तरंग धैर्य, किसका, प्रकाश की तरंग धैर्य का मात्रक है, यह क्या याद रखना है, प्रकाश की तरंग धैर्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं, ध्वनि का वेग, प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश का वेग, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, तरंग धैर्य, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एक लैम तरंग एंगस्ट्रॉम में इसका मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम है तो मैंने बताया था 10^-10 मीटर होते हैं, क्या होते हैं, मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में, ये इसको बोलते हैं तरंग धैर्य, तरंग धैर्य की यूनिट यानी कि मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम, सही है। तो ये तरंग धैर्य, तरंग धैर्य की यूनिट एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10^10, जो कि इम्पोर्टेंट है याद रखना, एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10^9 कितने होते हैं, एक नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10^9 याद रखना, एक नैनोमीटर में 10^ नैनोमीटर, नैनोमीटर में 10^9 मीटर होते हैं, लेकिन ये किस में पूछें, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ये याद रखना है। तो एक नैनोमीटर में, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^9, लेकिन ये मीटर है, हमें किस में कन्वर्ट करने हैं, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी हमें, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर में कितने की गुणा करी हमने, 100 की, अब 100 का हम कैसे लिख सकते हैं, 10^2, 10^2 सेंटीमीटर, माइनस 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10^-7, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ठीक है, 10^-7, ठीक है, सेंटीमीटर में याद रखना है, किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^9 मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10^2, क्लियर है, अब माइनस के 9 में से 2 जाएंगे कितने माइनस के साथ, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, लीटर किस पद्धति का मात्रक है, एम के एस पद्धति, किसका मात्रक है, एम के एस पद्धति, इसको वरीयता दे दी गई है, इसको एसआई पद्धति भी बोलते हैं, मैंने बताया एसआई बोले या एम के एस बोले तो हमेशा इसको ही लगाना, इसकी लीटर को भी एसआई पद्धति में रख दिया गया है, जब एसआई पद्धति में है तो किस में भी होगा हमारा, एम के एस पद्धति में भी होगा, क्लियर है। वर्नियर कैलिपर्स की अल्प माप क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ही है, अल्प माप जो होती है वो होती है 0.0 मिली
मीटर, 0.0 मिली मीटर होती है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेच सिद्धांत, स्क्रू पे नाम से ही है, इंग्लिश है और ये हिंदी में दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको पेच को क्या बोलते हैं, स्क्रू ही बोलते हैं। तो इसकी जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेच पर, स्क्रू पर कार्य करता है। क्लियर है, आगे देखिए, सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं इसमें जो है, सार्थक अंक कितने हैं अगर गिने जाए तो, पॉइंट के बाद में जो संख्या, जो पहले के जो अंक होते हैं वो गिने नहीं जाते हैं, तो केवल कितने हैं इसमें, एक सार्थक अंक है। जो दशमलव, अगर सपोज करो दशमलव के बाद में कोई जीरो आ रही हो और संख्या के बाद में जीरो आ रही है, पहली वाली जीरो तो नहीं गिनी जाएंगी सार्थक अंक, लेकिन संख्या के बाद यानी कि अंक के बाद में जो जीरो हैं वो काउंटिंग करी जाएंगे। तो संख्या से पहले के अंक तो क्रॉस हो जाएंगे, केवल कितने सार्थक अंक बचेंगे, सार्थक अंक एक बचेगा। क्लियर है, आगे देखिए, इसमें गिनो सार्थक अंक, इस जीरो, ये जीरो तो क्रॉस हो जाएगी, संख्या के पीछे है, आगे वाली काउंटिंग हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। याद रखना, अगर दशमलव के बाद में अगर जीरो संख्या से पहले उसको काउंटिंग नहीं लेंगे, और संख्या से बाद में जो जीरो उनको काउंटिंग में लेंगे, ये दोनों 6 के बाद में है और, तो इनको सबको क्या करेंगे हम, काउंटिंग में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सार्थक अंक, अब ये दशमलव के बाद में 0, 0, 0, लेकिन संख्या के पीछे की जीरो हैं, तो ये पीछे की जीरो नहीं गिनी जाएंगी, सॉरी कोटिमान पूछा है इसमें, क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, कोटिमान। तो कोटिमान कैसे निकालेंगे, देखो कितनी जीरो है, 5 जीरो हैं और 6, कितने अंक बाद हैं दशमलव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉइंट को हटा देंगे और नीचे कितना, 1 के बाद में 6 जीरो, कितनी जीरो, 6 जीरो। ठीक है, तो वो तो ऊपर तो कितना बचा, 6, और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर कितनी कर सकते हैं हम, 6, कितनी लगा सकते हैं, 10 की पावर 6, सही है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये पावर, 1, 6 × 10 की पावर -6, प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 10 की पावर -6, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो 10 की पावर कितनी है, 6। याद रखना, जितने भी पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होते हैं उसको पॉइंट को हटा के एक के आगे उतनी ही जीरो हम लगा देते हैं। ठीक है, जितनी जीरो होती हैं उतनी ही 10 की पावर चढ़ा देते हैं, तो कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर कितनी होगी, 6, सही है। तो नीचे ये प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये 6 यूं ही का यूं ही रहेगा, तो 6 × 10 की पावर -6। क्लियर है, तो आगे देखिए, यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान इतना है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है, ये 10 की, ये जो वैल्यू है ये 10 की पावर कितनी है, माइनस हो प्लस हो 25 है, 10 की पावर -25 है। हमेशा जो यूरेनियम परमाणु जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, वो माइनस में लिखे जाते हैं। क्लियर है, तो इसकी कोटिमान कितना होगा, कोटिमान 10 की पावर -25 कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, इस वैल्यू की कोई काउंटिंग नहीं होती, इस वैल्यू की कोई भी काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी भी घात हो 10 की पावर उसको क्या बोलते हैं हम, कोटिमान। तो कोटिमान कितनी है, 10 की पावर -25। क्लियर है, आगे देखिए, एक कागज की मोटाई कितनी है, इतने सेंटीमीटर है, तो माप के सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। सार्थक अंक वही, ये संख्या से पहले जीरो है तो इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, 1, 2, 3 कितने हो गए, 3 अंक हो गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये है। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, अगली नेक्स्ट क्लास आपकी थ्योरी वाली होगी तो देखना उसको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, ठीक है।